धर्मदास जी को परमात्मा एक कथा सुना रहे थे और कह रहे थे ऐसा होगा कलयुग जब पचपन सौ वर्ष बीत जाएगा तब मैं पूरे विश्व को नाम दिया जाएगा तब धर्मदास जी चिंतित हो रहे थे कि हे परमात्मा आपने मेरे से सतनाम और सारनाम को गुप्त रखने के लिए कह दिया और उधर से आपने मुझे बयालीस वंश आशीर्वाद दे दिया कि मेरी ब्याल स्पिडी चलेंगी तो परमात्मा मेरे इन वर, मेरे इन वंशजों का मेरे बच्चों का मोक्ष मुक, कैसे होगा गढ़ा चिंतित हो गया कलेजा पकड़ गया बैठ गया अब परमात्मा ने कहा कि जब कलयुग पचपन सौ वर्ष बीत जागा धर्मदास समय तक इस काल के बारह पंथ चल चुके होंगे और बर्मा पंथ गरीब दास पंथ होगा और उस में पंथ में मैं स्वयं आऊंगा और उसमें पूरे विश्व को ज्ञान दूंगा और पूरा विश्व इस तत्व ज्ञान सत्य और सत्य नाम से परिचित होगा तो तेरे पुत्रों की तेरे वंशजों की क्या चक्कर हुआ तो सारा विश्व पार करूंगा क्यों तो चिंतित हो रहा तू अब आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं कि बारह पंथ काल ने चलाए और कबीर नाम से चलाए बार पंथ गरीबदास पंथ है और गरीबदास पंथ से ये दास का निकास है बारह पंथ चल चुके होंगे तब तो परमात्मा ने कहा था कि फिर मैं स्वयं ही आऊंगा अब परमात्मा ना ये दास भेज दिया आपको थोड़ा रूबरू करता हूँ तो विश्वास होगा आपको ये देखिएगा ये कबीर बानी और बोध सागर ही चल रहा है यहां क्या बताया है कि द्वादश पंथ चलो सो भेद द्वादश पंथ काल फुरमाना काल का ही फुरमान यानी उसका आदेश चलेगा बारह पंथों में और भूले जीव न जाओ ठिकाना ताते आगम कह हम राख्या वंश हमारा चूड़ामणि साखा अब यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी चूड़ामणि को अलग कर दिया जबकि प्रथम चूड़ामणि से शुरू हुआ था क्योंकि इन्होंने यहाँ देखो ताते आगम कह यहाँ फिर प्रथम जगम जागु भरमाव इन्होंने वो नकली कबीर पंथ के जो पंथ है उनमें सब से सबसे पहले जागू और जबकि होना चाहिए चूड़ामणि दूसरा सूरत गोपाल तीसरा मोल निरंजन चौथा टकसार पंथ फिर और पांचवा बीज का लेखा जीवा पंथ और छठा सतनामी पंथ ऐसे ये पंथ है अब इसकी जीवन दिखाते हैं आपको 1870 सो पे अब ये यहाँ पर उसमें पद्य भाग में या गद्य भाग के अंदर है ये कबीर चरित्र बोध और बौद्ध सागर इसके 1870 सो पृष्ठ पे क्या लिखा है कि कबीर साहिब के पंथों का वृत्तांत प्रथम नारायण दास लिख दिया नारायण दास ने तो कबीर साहिब का पंथ स्वीकार नहीं किया था ये यह होना चाहिए चूड़ामणि या गलत कर ना प्रथम नारायण दास ने चूडामणि होना चाहिए दूसरा जा, जागुदास या गोदास और तीसरा सूरत गोपाल चौथा मूल निरंजन पांचवा टकसारी पंथ छठा भगवान दास पंथ सातवां सतनामी, आठवां कमाली पंथ कमाली नहीं कमाली है कमाल का वो कमाल जो पुत्र जीवित किया था उसने भी अपना अलग से नकली पंथ चलाया था और नौवा रामकबीर पंथ दसवा परम धाम की वाणी और ग्यारहवा जीवा पंथ और बारवा यह गरीब दास पंथ अब ये बारहवा दास पंथ है यहां स्पष्ट है यहाँ गद्य भाग के अंदर है अब फिर आगे हम यहाँ पर कबीर बानी में और 136 सौ पृष्ठ पे अब यहाँ से है कि द्वादश पंथ काल फुरमाना जीव भूले जीव न जाव ठिकाना ताते आगम कह हम राखा वन समारा चुड़ा मणि साखा प्रथम जग में जागो बरमावे फिर दूसरा सूरत गोपाल तीसरा मूल नरेंद्र वही है नो के नो पंथ और ये सतनामी पंथ भगवान दास पंथ अब यहाँ ये आ गया दसवा परम धाम की वाणी पंथ जबकि ग्यार होना चाहिए अब यहां से बार माह शुरू हो गया यहाँ तक तो में तक महिमा अब बार माह यहाँ होता है संवत सत्रह से पचहत्तर हो सत्रह सो चौहत्तर होना चाहिए था गलती से एक वर्ष का अंतर में हो रहा है अर्थात दिन प्रेम प्रगट सोई क्योंकि संवत संवत सत्रह में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ था ये उसके विषय में जानकारी है आगे देखिए आज्ञा रहे जीव बोध लावे और कोली चमार सब के घर खावे साख हमारी ले जीव समझावे असंग जन्म छोड़ नहीं पावे यानी कह रहे हैं कि गरीबदास पंथ से ये छुआछात कुछ कम होने लगेगी और लेकिन ये असंग छोड़ गरीबदास पंथ बार में पंथ तक असंग जन्म उस सतलोक को प्राप्त नहीं कर सकते ये देखिएगा साख हमारा अमार ने जीव समझावे असंग जन्म ठोर नहीं पावे और बार में पर, पंथ प्रगट हो वाणी ओह बार में पंथ में, में मेरी वाणी महिमा की वाणी फिर प्रगट होगी गरीबदास जी द्वारा प्रगट हुई और शब्द हमारे का निर्णय ठानी हमारे उस मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान जो गरीबदास जी के द्वारा लिखवाया गया ग्रंथ उसके ऊपर वो सभी निष्कर्ष करा डिस्कस करते रहेंगे गरीब दास पंथ तक के उसके विषय में क्या कहा है बर बर में पंथ प्रगट हुआ बाणी शब्द हमारे का निर्णय ठानी अस्थिर घर का मरम ना पावे बारा पंथ हमी को दावे कबीर कबीर करेंगे लेकिन सच्चा सच्चा ज्ञान नहीं समझ पाओगे और उस वाणी को वो समझ नहीं सकते बार में पंथ प्रगट हो वाणी सब तुम्हारे का मर्म न पावे बारह जावे फिर कहते हैं बार में, पंथ। उस बार में पंथ चल चुका होगा उसके बाद में पंथ में हम ही चल आवे और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे अब देखो पुणात्मा परमात्मा ने आए थे दास भेज रख्या उसी पंथ में अब विश्वास कर लेना और कल्याण हो जाएगा आपका दिवारे 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 दिवारे। अब क्या बताते हैं कि अब यहाँ क्या बताया परमात्मा ने कि धर्म दास मेरी लाख दोहाई ये मूल है मूल भूल नहीं है मूल ज्ञान शब्द कई बार न जाई पवित्र तो ज्ञान तुम जग में भाखो और मूल ज्ञान गोई तुम राखो मूल ज्ञान जो बाहर परी पर, पर ही बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही तेतीस अरब ज्ञान हम बाखा और मूल ज्ञान गोई राम राख्या तेतीस अरब वाणी बोल दी लेकिन मूल ज्ञान अभी तक छुपा रखा है और मूल ज्ञान तुम तब लग छिपाई जब लग द्वाद पंथ मिटाई तो, अब क्या कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई और इस मूल ज्ञान ये मूल ज्ञान बाहर ना जाए मैं तुझे जो बता रहा हूं मूल मंत्र मूल ज्ञान ये बाहर ना जाए मूल ज्ञान बाहर जो बिचली तरही यदि ये ज्ञान इन नकली पंथियों का हाथ लग गया ना सारा तो बीच की पीढी पार नहीं होगी तो यह बिचली पीढी कैसे है अब यह प्रमाण करते हैं देखिएगा अब हम यहां पढ़ रहे थे ऊपर कि बार में पंथ प्रगट हो बाणी शब्द हमारे का निर्णय ठानी अस्थिर घर कौमर्म न पावे अस्थिर सथिर माने वो अविनाशी परमात्मा उस सतलोक का नहीं पावे ये बारह पंथ हम ही को धावे बर में पंथ हम ही चल कर आवे और सब पंथों को मिटाके एक पंथ चलाऊ फिर बताया है प्रथम चरण कलियुग निर्याना कलियुग का प्रथम चरण कौन सा होगा तब म परमात्मा ने कहा था कि कलयुग का प्रथम चरण वो होगा जब मैं मगहर से सह शरीर जाऊंगा एक लीला करूंगा तो परमात्मा सन 1518 में मगहर से सह शरीर गए थे वो प्रथम चरण था जो परमात्मा आए थे सारा ज्ञान दे गए थे जो भगवान लीला किया करता वो करके चले गए और ये है वो बीच डी डी अब पचपन सौ वर्ष बीत गया या बिचली पीढ़ी है इसलिए ज्ञान छुपा रखा था और ये मूल मंत्र भी छुपा रखा था जिस भी महापुरुष को परमात्मा ने ये ज्ञान और मंत्र दिए उनसे प्रतिज्ञा करा ली थी कि आगे अभी बताना नहीं नहीं तो एक नक काल के नकली पंथों को भी यही ज्ञान होता पर यही मंत्र दे रहे होते ये अधिकारी नहीं है जिस कारण से ये मंत्र अगर इनके पास भी होते तो भी काल के जाल में फंसे रह जाते अधिकारी के बिना कोई भी मंत्र काम नहीं करता तो विश्व में आज ये दास ही वो अधिकारी है और यही सर्व आपका मोक्ष कराने के लिए परमात्मा ने भेजा